नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा है कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। जयदीप जी, भागवत जी ने कहा है कि आरक्षण सामाजिक न होकर राजनीतिक है, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, आरक्षण की जो परिकल्पना थी वो तो निश्चित तौर पर सामाजिक थी, वो राजनीतिक कतई नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो निश्चित तौर पर संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख भी रहे और उन्होंने खुद पिछड़े समाज के दर्द क्या है उसको सबसे करीब से देखा है, भोगा है, तो वो एक ऐसे ऐसे व्यक्ति का विचार और स्वप्न था जो उस पीड़ा को भोगते हुए यहाँ सामने आया समाज में। लेकिन एक देखिए तथ्य ये भी है कि उन्होंने जब ये इसमें लिखा था तब कहा था कि 10 साल तक देना चाहिए, इस 10 साल में निश्चित तौर पर एक जो पीढ़ी है, एक जो जनरेशन है, उसको ये लाभ मिल जाएगा और उसके बाद हमें आरक्षण के इस लाभ को आगे देने के लिए समीक्षा करनी चाहिए। ये समीक्षा का जब दौर आया तो निश्चित तौर पर हमने इस सामाजिक मसले को राजनीतिक मसला बना दिया, तो मुझे लगता है कि सारी गड़बड़ी वहीं पर शुरू हुई। और उसके बाद तो हमने लगातार मंडल आयोग और मंडल आयोग की सिफारिशें और उसके इर्द गिर्द होने वाली राजनीति और विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रधानमंत्री बनना और आरक्षण की आग में झुलसने वाले युवाओं को, राजीव गोस्वामी को भी देखा और उसका एक लंबा इतिहास है। बहरहाल, उस पर लंबी चर्चा के बजाय हम ये सोचें कि ये जो बयान आया है ये अहम है। ये एक ऐसे वक्त आया जब हम देख रहे हैं कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, गुर्जरों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन होता है और पूरी रेलवे लाइन को ठप कर दिया जाता है। अभी अचानक गुजरात में पाटीदार समाज के आरक्षण को लेकर हार्दिक पटेल उभर कर आते हैं और पूरा पटेल समुदाय, जो कि सबसे मजबूत सबसे तगड़ा समुदाय है और लगभग 2.5-3 करोड़ लोग हैं उस समुदाय के जो वर्चस्व रखते हैं और जिनके वोट बैंक के आधार पर गुजरात की सरकार तय होती है, और उन लोगों ने अगर ये ठान लिया है कि उनके समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो एक बड़ी चुनौती है, चेतावनी है, और वहाँ भी हिंसा हुई है और लोगों की जानें जा रही हैं उसमें। अब ये लगातार हर समाज को आरक्षण दे देना तो मुझे नहीं लगता कि समस्या का हल है, और ना हम उस तरह की सामाजिक क्रांति और उस तरह के सामाजिक बदलाव को ला पा रहे हैं जिसको सोच कर ये आरक्षण दिया गया था। अचानक आप इसके विरोध में बोलते हैं और पता नहीं किस तरह की बातें चालू हो जाती हैं। इसके जवाब में जो लालू प्रसाद यादव का जो एक टिप्पणी आई थी वो गौरतलब है कि उन्होंने कहा था कि माई का दूध पिया हो तो बदल, तो मुझे लगता है हमने इस समाज को और गंदला बना दिया है इस आरक्षण की नीति के चलते। निश्चित तौर पर उसके कुछ फायदे हमने देखे हैं, हमने देखा है कि जो पीढ़ियां पीछे थी वो आगे आई हैं, लेकिन अब एक पीढ़ी को अगर फायदा मिल गया, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो कलेक्टर, कमिश्नर या विदेश में अधिकारी या अच्छे उच्च शीर्ष पदों पर पहुंच गए, उनके बच्चे को भी मिल गया, अब उनकी तीसरी पीढ़ी को भी उस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो क्या ये वो परिकल्पना है जिसके आधार पर आरक्षण दिया गया था? दूसरी ओर अपन भाजपा की बात करें, जो संघ प्रमुख के बयान के साथ में हमेशा साथ खड़ी रहती, उसने भी इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। देखिए, यही तो इसका मतलब कि उनका बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभिन्न अंग मानी जाती है, माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही, और अभी तो उसके शीर्ष पदों पे अधिकतर जो लोग हैं वो संघ से आए हुए, राम माधव जी वहां से आए, प्रधानमंत्री खुद संघ के स्वयंसेवक रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, आडवाणी जी रहे, तो इसमें कोई दुराव छुपाव की बात नहीं है। लेकिन जहां वैचारिक मतभेद की बात आती है वहां बीच में राजनीति खड़ी नजर आती है, और राजनीति जो न कराए सो कम है। अगर वो राजनीति संघ और भारतीय जनता पार्टी के बयानों के बीच में दीवार बनकर खड़ी है तो इसमें क्या गलत है कि आरक्षण का जो आधार है वो अब सामाजिक के बजाय राजनीतिक? ये तो बल्कि प्रमाण है, उनकी बात की सत्यता का प्रमाण है। दूसरी ओर एक चीज और देखने में आ रही है कि जो नेता जिनका वोट बैंक आरक्षण से जुड़ा हुआ है, ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आरक्षण हटा तो आंदोलन करेंगे। हाँ, तो निश्चित तौर पर ना वो दिक्कत तो वही है ना, तो ये सारे प्रमाण है इस बात के कि आरक्षण जो अगर लालू यादव वो कह रहे हैं तो उनको गरीबों के लिए दर्द नहीं है। उनको पता है कि जब वो ऐसा कहेंगे तो पिछड़ी जाति के जो लोग उनको वोट देते हैं वो सारे उनके वोट बैंक के रूप में खड़े नजर आएंगे, तो इसलिए ये जो वोट बैंक की गंदी राजनीति आरक्षण की उस पर की जा रही है बैसाखी पर, वो लगता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसने देश का नुकसान ज्यादा किया है, फायदा कम किया है। और जो पूरा बयान अगर आप उनका ध्यान से पढ़ें तो मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बंद करने का नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि जो अगर वो सामाजिक के बजाय राजनीतिक हो गया तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, विशेषज्ञों का पैनल बनाया जाना चाहिए और फिर तय करना चाहिए। तो वो मंडल कमीशन भी बना था लेकिन वैसा नहीं होके वो, अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन वो गरीब परिवार से है, वो किताबें नहीं खरीद पा रहा, वो स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा, स्कूल जाने के लिए वाहन नहीं जुटा पा रहा, क्या उस व्यक्ति को इस देश और समाज की व्यवस्था ने ज्यादा मदद करनी चाहिए या एक ऐसे व्यक्ति की जो एक संपन्न परिवार से है, अच्छे परिवार से है, खाने कमाने की चिंता उस घर में नहीं है, लेकिन केवल वो पिछड़ी जाति का और इस वजह से वो नई नौकरी या नई भर्ती आरक्षण के नाम पर ले उड़ता है? तो ये सवालों का जवाब तो हमें देना होगा ना जब हम आरक्षण की बात करते हैं। तो अगर निश्चित तौर पर भारतीय समाज में जिस तरह की व्यवस्था रही, वर्ण व्यवस्था रही, उसके आधार पर
अगड़ों और पिछड़ों के बीच में एक बड़ा हमने देखा कि अंतर खड़ा रहा। उस अंतर को पाटने के लिए भीतर से ही, चाहे वो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले हों या ईश्वरचंद विद्यासागर हों या महर्षि दयानंद सरस्वती हों, ऐसे समाज सुधारकों की आवाजें भी भीतर से आती रही। खुद महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता ने इस आरक्षण और जातिवाद को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तो हमारे समाज सुधारकों ने वो लड़ाई लड़ी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने वो लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए आरक्षण को एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश की थी जो शायद उन बेड़ियों को काट दे जो दलितों और पिछड़ों पर हमने इतने सालों से, मुझे लगता है कि उन बेड़ियों को काटने की बजाय हमने आरक्षण की एक नई बेड़ी पिछड़े वर्ग को पहना दी है। एक चीज और है कि हम सरकारी नौकरियों की बात करें या राजनीति की बात करें, वहां आरक्षण का फायदा सक्षम ही लोग ले पा रहे हैं। लालू यादव की बात करें तो लालू यादव के दोनों बेटे को टिकट मिला हुआ है। हाँ, तो ये दिक्कत वही है ना, वो तो खैर परिवारवाद का एक बड़ा मामला है, वो आरक्षण की बजाय परिवार और वंशवाद के नाम पर चलाए जाने वाली दुकानदारी का एक बड़ा मामला है। और जो लोग परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद ही इस तरह के काम करते हैं। तो इस देश को इस तरह की चीजों ने बढ़, लेकिन ये जो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं वो तो अपनी पार्टी के भीतर जो अधिकार है और जो उनका महागठबंधन बना है उसके अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ये तो संवैधानिक है आरक्षण, तो कानून के आधार पर कुछ ऐसी नीति लागू की गई है। और संविधान हमारा कितना लचीला है हम देख चुके हैं, संविधान में जितने संशोधन हमने आजादी से लेकर अब तक किए वो प्रमाण है इस बात का कि हम खुद मानते हैं कि संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको बदलाव की आवश्यकता निरंतर पड़ेगी। कुछ कानून तो ऐसे थे जो अंग्रेज राज से हमने उस वक्त ले लिए थे क्योंकि हम उनको बदलाव उस वक्त करने की स्थिति में नहीं थे, हमें ये भी नहीं पता था कि आने वाले 60 सालों बाद ये आजाद भारत कैसा होगा, क्या रूप अख्तियार करेगा। तो जिस तरीके से हमने अन्य बहुत सारे, हमने जमीन सुधार कानून जिसको लेकर अभी बहुत विवाद एनडीए की सरकार और यूपीए सरकार के बीच में हुआ और आखिरकार एनडीए की सरकार को उस पर बैकफुट पे जाना पड़ा, लेकिन जो यूपीए सरकार ने भी भूमि सुधार कानून लाया था जयराम रमेश ने जिसकी अगुवाई की थी, वो एक ऐसी बड़ी तब्दीली थी भारत के संविधान में जो कि कोई सोच नहीं सकता था। तो हम अगर इतनी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं तो ये एक और बड़ी तब्दीली जिसमें हमने आरक्षण की बैसाखी पकड़ाकर समाज को और अधिक पंगु बना दिया है उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पिछड़े हैं जिनका दमन हो रहा है जिनका, और चूंकि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं पत्रकारिता की दृष्टि से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं खुलकर, जो लोग राजनीति कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा वो नहीं कह पाते, हम उन दलितों के खिलाफ, मेरे साथी जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं और अगर उनमें प्रतिभा है और उनको उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो उनको मदद मिले, वो आगे बढ़े, और केवल इस वजह से कि वो पिछड़ी जाति के हैं उनको अगर दाखिला नहीं मिला है तो वो गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसा अब, बल्कि हम जब कोई कहता है कि इसको आरक्षण मिला तब हमें पता लगता है कि ये किस जाति का है। आधुनिक समाज में बहुत सारे लोग और नई पीढ़ी के लोग ये सोचते नहीं है, बल्कि वो इसलिए सोचने को मजबूर हो गए कि उनको पता लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा प्रतिभाशाली हूं, मैं आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा लेकर आया हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति जिसमें कम संभावनाएं हैं कम प्रतिभा है पर वो इसलिए आगे बढ़ रहा है कि उसको आरक्षण मिला हुआ है। तो बल्कि खाई तो उल्टी तरीके से अब नई निर्माण हो रही है। क्या आपको लगता है कि भाजपा बिहार चुनाव के बाद में संघ प्रमुख के बयान पर विचार कर सकती है? देखिए, लंबी कवायद है, एक झटके में तो ये होगा नहीं। एक तो दमन जो हुआ है, शोषण जो हुआ है, पिछड़ी जातियों पर जुल्म जो हुए हैं वो बरसों बरस हुए हैं, उसके सैकड़ों बरसों के हमारे पास प्रमाण हैं कि जिसमें किस तरीके से अगड़ी जाति के लोगों ने पिछड़ी जाति के लोगों पर जुल्म किए हैं। उसी तरीके से आरक्षण जो है वो पिछले 65-66 सालों से जो जारी है, तो उसमें परिवर्तन तुरंत आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पीछे अब आपने वोट बैंक की नई राजनीति भी खड़ी कर दी है, पर इसके लिए बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति और ऐसे कौशल की भी आवश्यकता होगी कि उससे समाज में एक नए तरह के टकराव, नई तरह की आग न हो और कोई इस आरक्षण की आग में झुलस कर नहीं मरे, क्योंकि वो अपने हित साधने के लिए लोग लोगों को आगे करेंगे और वो निरीह लोग इस तरह आरक्षण की आग में झुलस कर न मारे जाएं, ये भी एक चिंता का विषय है। तो बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी करती है या नहीं करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अभी से लेकर अगले एक साल तक सबसे पहले तो इस पर खुला संवाद आयोजित होना चाहिए, देश भर में इस आरक्षण को लेकर चर्चा होना चाहिए। अगले 1-1.5-2 सालों में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एक बहुत गंभीर सारगर्भित अध्ययन हो कि इस आरक्षण से फायदा कितना हुआ है और नुकसान कितना हुआ है। हम भी जो बातें कर रहे हैं वो जो उपलब्ध तथ्य हैं उनके आधार पर, वो हम भी जानते हैं कि वो पर्याप्त नहीं है। क्रीमी लेयर को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो हम सचमुच क्रीमी लेयर क्या है, कितने लोग हैं, कितनी पीढ़ियां हैं जो तर गई हैं, कितने लोग ऐसे हैं वाकई जो पिछड़ी जाति के होने की वजह से जुल्म का शिकार हो रहे हैं। मैं आज से लगभग 15-20 साल पहले जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गया था तो कुछ हॉस्टलों में अभी भी ये स्थिति थी कि वहां पर जो अगड़ी जाति के लोग हैं पिछड़ी जाति के लोगों को नौकर बना के अपने, तो वो आरक्षण से तो फिर भी दूर नहीं हुआ है, तो वो दूर नहीं हुआ तो कैसे दूर होगा। इस आधुनिक समाज का एक अध्ययन करें जिसमें हम ये पता करें, तो उन्होंने वो भागवत जी ने वो बात कही भी है कि अध्ययन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, और ये सामाजिक की बजाय राजनीतिक बन गया है। तो ये सारी बातें सही हैं लेकिन उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखकर निर्णायक कदम उठाने होंगे।
धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।